सरकार द्वारा नोटबंदी के बाद लगातार जनता से किए जा रहे राहत देने के वादे झूठे साबित होते नजर आ रहे हैं। बैंकों के बाहर लाइनें कम होने का नाम नहीं ले रही। लोगों का कहना है कि सरकार ने 50 दिन का समय मांगा और अब 50 दिन का समय करीब आने जा रहा है, लेकिन कोई भी राहत बैंकों की तरफ से लोगों को नहीं दी गई है। बैंकों में पैसा कितना आता है और कहां चला जाता है, जनता इस बात को लेकर बेहद दुखी है। जनता का कहना है कि हर रोज उनको बैंकों में लाइन बनानी पड़ती है, कई बार तो खाली हाथ उन्हें लौटना पड़ता है। डेढ़ महीना पूरा होने जा रहा है, कितनी राहत मिल पाई है अब तक आपको? 50% राहत मिली है, 50% अभी भी मारा मारी है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। डेढ़ दिन से सुबह के लगते हैं, शाम तक पैसे नहीं मिल पाते हैं। कभी कभी तो ये जो काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं सर। काफ़ी ये मोदी सरकार के फैसले से कितने खुश हैं आप? सर वैसे तो मोदी सरकार के फैसले से 90% बंदे खुश हैं, 10% कोई जो भी बैंक से हमें प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है उसकी वजह से चलो कुछ धीरे धीरे होगा सॉल्व। वैसे मोदी सरकार अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। थोड़ा सा भी राहत नहीं मिला है, जनधन के हिसाब से एक महीने में एक बार पैसा मिलता है, मगर आज 30 दिन हो गए। पैसा लेने गया तो साफ मना कर दिया कि पैसा नहीं है, जाओ। और जो बाहर सारे मैंने मेरे सामने खूब पैसा दे रहे हैं ओबीसी बैंक में, बहुत ही बुरा हाल कर रखा है इन लोगों ने। यानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है, इस बार तो बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे।